हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का रज़ा किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज आ गए हम एक नए रेसिपी के साथ जो ओनली 3 आइटम से बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये है, आज बनाने वाले हैं हम कैरमल पुडिंग। और उसके लिए लिया है हम यहाँ पे जो है ओनली 3 आइटम लिया है, शुगर है और दूध है बस, और कस्टर्ड पाउडर है। इस तीनों चीज़ से हम आज सिंपल सा पुटिंग बनाने वाले हैं। ना स्टीम करेंगे, ना एग डालेंगे, कुछ भी नहीं। आप मिठाई भी बोल सकते हो उसको और पुटिंग भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो है, पहले हम कस्टर्ड को ले लिया है दूध में, इसको हम मिक्स कर लेंगे। पहले हमको मिक्स करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है अंदर बैठ जाता है, तो इसीलिए मिक्स करना ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो कस्टर्ड है वो मिक्स हो गया है। तो अपने हिसाब से भी ले सकते हैं आप, जितना भी डाल सकते हैं उसमें डाल के बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक चाय का बर्तन, उसमें मैं दूध डाल दिया है। और यहाँ पे मैं 100 ग्राम से लगभग शुगर डाला था, लेकिन उसमें भी कम कर दिया मैं। तो 100 ग्राम दूध और 100 ग्राम शुगर हो गया हमारा यहाँ पे। तो इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे। पहले उबाल आने तक इसको पकाएंगे हम। तो बहुत, यहाँ पे देखिए हमारा जो है दूध का उबल आने लगा है ऊपर। तो बहुत सिंपल सा रेसिपी है, आपको कुछ चीज़ का झंझट नहीं होगा इसमें, और बहुत सिंपल सा ये बन के रेडी हो जाएगा। ना आपको स्टीम का ज़रूरत पड़ेगा, ना एग का डालना पड़ेगा, ना कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा रेसिपी है ये, आप बना सकते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए हमारा दूध जो है वो उबाल हो गया है। अभी हम जो कस्टर्ड मिक्स करके रखे थे दूध के साथ, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा उबाल बैठने दिया हम, यहाँ पे देखिए ये हो गया है। तो अब जो है हमारा कस्टर्ड यहाँ पे हम पूरा यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे गैस को स्लो में रखेंगे। तो स्लो में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये डायरेक्टली ज़्यादा हो जाएगा, तो गैस रखोगे तो ये हार्ड हो जाएगा। तो इसीलिए हमको गैस को स्लो ही रखना है यहाँ पर, और स्लो में है इसको अच्छे से पकाना है, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। और ये कस्टर्ड पुडिंग बनने वाला है, बहुत ज़बरदस्त पुडिंग है, आप घर में बना के खा सकते हैं डसत के हिसाब से। तो देखिए ये हमारा जो है गाढ़ा होने लग गया है अभी। तो यहाँ पे हमारा जो है पुडिंग गाढ़ा होने स्टार्ट हो गया है। देखिए गाढ़ा होने के साथ साथ कलर भी छोड़ने लग गया है। तो देखिए लम्स आने तक भी इसको पकाना है हमको। तो हमको अच्छे से यहाँ पे पका लेना है, नहीं तो फिर वो जो कस्टर्ड है वो नीचे बैठ जाएगा। तो इसलिए हमको स्पून को घुमाते रहना है और पका लेना है उसको अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा जो है पुटिंग होने लग गया है अभी हल्फिलहाल। तो इसको हम निकाल लेंगे, एक केक टिन में ले लिया मैंने, और यहाँ पे देखिए उसको मैं डाल दिया है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगा पहले 1 घंटे, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में डालूँगा मैक्सिमम 6 घंटे के लिए। और 1 दिन बाद अगर निकाले तो बहुत अच्छा जमता है, तो हमको यहाँ पे जल्दी निकाल के दिखाना है। तो इसलिए मैं 6 घंटे में इसको निकाल लूँगा। तो इसको मैं जो है अभी फ्रिज में ऐसे ही एल्युमिनियम फॉइल लगा के मैं फ्रिज में डाल दूँगा। तो देखिए जब अभी यहाँ पे हमारा 6 घंटा पूरा हो गया है, अभी हम उसको निकाल लिया है। तो देखते हैं ये कैसा और कितना जमा है। तो देखिए ये बहुत अच्छे से जम गया है यहाँ पर। और तो इसको हम काट लेंगे, देखिए हिलाने से भी पूरा हिलता है। तो इसको हम चाकू के हिसाब से ही पीस पीस के हिसाब से काट लेंगे, क्योंकि हम इसको निकाल नहीं सकते। जो हमारा केक टिन है वो थोड़ा बड़ा है, तो आप अगर प्लेन वाले में लगाते हैं तो आपका पीस ज़बरदस्त निकलेगा हमारे हिसाब से, और ज़्यादा टाइम तक रखोगे तो और भी ये ज़्यादा पीस नज़र आएगा और अच्छा भी होगा। तो देखिए ये हम एक स्पून से यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़बरदस्त हुआ है, अगर आप मिठाई भी बोलोगे तो इसको,
तो मिठाई भी होगा नहीं तो पुडिंग भी, बोलेगा तो पुडिंग भी होगा। जैसे कस्टर्ड पुडिंग हो गया तो बहुत ज़बरदस्त है, हम कस्टर्ड से बनाया है इसको और बहुत आसान तरीके से बनाया है, देखिए। और यहाँ पे हमने टेस्ट भी किया है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है रेसिपी का। और एक अच्छी मिठाई है, सस्ते दामों में मिठाई रेडी हो जाएगा करने चाहे तो। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त मिठाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा रेसिपी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना वीडियो को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।